अंग्रेजों और गोरखालियों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध के पीछे तीन कारण थे। पहला था सीमा विवाद। इसी क्षेत्र को लेकर नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच काफी विवाद हुआ था। खासकर सिक्किम क्षेत्र में गोरखालिस ने अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया था। दूसरा व्यापार विवाद था। तिब्बत के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिए नेपाल को अपने क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा। आज हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे पास एक इंडियन मीडिया का वीडियो है। इसके बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया सगोली की मुआहदे या सगोली संधि के बारे में क्या बात करते हैं, ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात करते हैं। देखेंगे कि क्या ग्रेटर नेपाल वापसी हो सकता है, ग्रेटर नेपाल की जमीनें वापसी आ सकती है या नहीं आ सकती। चले आज के वीडियो में देखते हैं और आपके साथ इंडियन मीडिया का एक न्यूज भी शेयर करते हैं कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें वापसी आ सकती है या नहीं आ सकती। वीडियो के बाद आपसे काफी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, तो वीडियो का एंड लाजमी देखिएगा। विश्व के चतुर्भुज राष्ट्रों द्वारा विस्तृत किया गया विशाल नेपाल आज के नेपाल से बहुत बड़ा था। ऐसा क्या मुश्किल था जो नेपाल को उस संधि को स्वीकार करना पड़ा जो आज नेपाल को इस नक्शे से इस नक्शे पर ले आई। और हैरानी की बात यह है कि संधि स्वीकार होते हुए भी नेपाल संधि को जाने के बाद जमीन वापस क्यों नहीं कर सका। संधि के कौन से सिद्धांत थे जिससे खोई हुई भूमि को वापस करना आसान हो गया। आइए इस ऐतिहासिक विषय को सरल भाषा में समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अपने शासन काल में बिखरी हुई अनेक रियासतों को एक कर शक्तिशाली नेपाल का निर्माण किया, लेकिन बहादुर प्रधानमंत्री भीमसेन थापा और उनकी टीम भक्ति थापा, अमर सिंह थापा और बलभद्र कुमार ने देश के एकीकरण को जारी रखा। उस समय आप नेपाल की तुलना आज के नेपाल से कर सकते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के अधीन था। इतना ही नहीं, पश्चिम में सिक्किम के चार स्तरीय क्षेत्र में नेपाल 40 वर्षों तक राजधानी रहा था। इसी प्रकार नेपाल की राजधानी पूर्व में तिस्टा नदी से लेकर पश्चिम में कांगड़ा नदी तक थी, जिसे हम बृहत नेपाल कहते हैं। हालांकि ये विस्तार कार्य अभी भी जारी था, लेकिन कांगड़ा नरेश और गोरखालियों की लड़ाई में गोरखाली तोरे के हारने के बाद गोरखाली पश्चिम में कांगड़ा नदी से आगे नहीं जा सके और पूर्व में तिस्टा नदी से होते हुए नागरकट्टा पहुंचा था। लेकिन उस समय बेलियत दारा द्वारा संचालित ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को सुपर ब्रह्मांड बना दिया था। उनके मन में भारत को अपने नियंत्रण में लेने और वहां उत्पादित उत्पादों को तिब्बत में बेचने और बड़ा लाभ कमाने का विचार था। अब समस्या यह थी कि जिन अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया था, नेपाल में गतिरोध था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और गोरखालियों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध के पीछे तीन कारण थे। पहला था सीमा विवाद। इसी क्षेत्र को लेकर नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच काफी विवाद हुआ था। खासकर सिक्किम क्षेत्र में गोरखालिस ने अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया था। दूसरा व्यापार विवाद था। तिब्बत के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिए नेपाल को अपने क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा, लेकिन नेपाल ने उन्हें अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। तिस्टा से कांगड़ा तक फैले नेपाली क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने में कठिनाई हो रही थी। और तीसरा महत्वाकांक्षी विस्तार था। दोनों देश आगे बढ़ रहे थे और अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। इतनी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए गोरखाली अंग्रेजों के लिए खतरा बन रहे थे। उन्होंने इस डर से युद्ध की घोषणा कर दी कि भविष्य में यह उनके लिए कठिन होगा। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1814 को गोरखालियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। इसे आंग्ला नेपाल युद्ध कहा जाता है। 6 माह तक चले इस युद्ध में नेपाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने लगा। अंग्रेजों के पास 52,000 सैनिक थे, नेपाली सैनिकों की संख्या 12,000 थी। अतः अंग्रेजों को रोकना कठिन था। अगर उनके पास आधुनिक हथियार होते तो नेपाली खुकरी के घर में लड़ाई कर रहे होते। इस बीच सिक्किम के राजा भी अंग्रेजों के पीछे पड़ गए, क्योंकि अगर सिक्किम के राजा ने नेपाल के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया होता तो सिक्किम राज्य उन्हें वापस कर देता। अगली बैठक अंग्रेजों और सिक्किम के राजा के बीच थी। अब जब यह हो चुका था तो युद्ध जीतने का साहस ही नहीं लग रहा था। लड़ाई के बीच में नेपाली सेनापति अमर सिन्हा थापा ने ब्रिटिश सेनापति को रोकने का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सेनापति अभिनेता लोनी और अमर सिन्हा थापा के बीच युद्ध रोकने का समझौता हुआ। उसके बाद युद्ध तो रोक दिया गया, लेकिन फिर भी युद्ध की मांग उठती रही। अतः 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों ने एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा और उन्होंने समझौते को स्वीकार करने के लिए 15 दिन का समय दिया। अब आप देख सकते हैं कि बैठक में क्या हुआ। अंग्रेजों को वह भूमि लौटानी पड़ी जिसे नेपाल ने अतीत में जीता था, अर्थात वर्तमान के पश्चिम में महाकाली नदी के पश्चिम में नेपाल की सीमा तक, उससे आगे की सारी भूमि अंग्रेजों को लौटानी थी। इतना ही नहीं, बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर जैसी जमीनें अंग्रेजों को देनी पड़ी। बैठक में समझौते की शर्तें थी। आप इन बैठकों के लेख को वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब नेपाल पश्चिम में युद्ध हार गया था, इसलिए अंग्रेजों ने पश्चिमी भूमि ले ली। लेकिन युद्ध से पहले गोरखली सिन्हा को 40 दिनों में मेची से ट्रिस्टा तक की जमीन खाली करनी पड़ी थी। लेख का उल्लेख तीसरे लेख में किया गया था। जब एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं
तो नुकसान के लिए दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन यह संधि एक तरफा संधि थी, इसलिए नेपाल को इसकी शर्तें रास नहीं आई, इसलिए नेपाल अंग्रेजों द्वारा दी गई शर्तों के भीतर संधि को स्वीकार नहीं कर सका। आगे क्या हुआ? अंग्रेजों ने यह अफवाह फैला दी कि नेपाल ने संधि को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वे काठमांडू पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए वे आसपास के क्षेत्र में सैन्य अभ्यास भी करते थे। अब राजधानी पर हमले के 93 दिन बाद 4 मार्च 1816 नेपाल ने संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे सुगोली संधि कहा जाता है। लेकिन संधि पर तभी हस्ताक्षर किए गए जब दोनों देशों के उच्च पदस्थ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। हालांकि संधि की मूल प्रति आज तक नहीं मिली है, लेकिन संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापावा राजा गिरवान शाह ने हस्ताक्षर किए थे, न कि राजपूत चंद्रशेखर उपाध्याय ने। लेकिन अंग्रेजों को हमेशा यह शंका रहती थी कि निकट भविष्य में नेपाल इस संधि को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 4 में लिखा कि बेलास सरकार नेपाल को 1,000 रुपए देगी हर साल 2 लाख। इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मुख्य कारण नेपाली अधिकारियों को खुश करना था, जिससे गोरखालियों को एक और युद्ध लड़ने से रोका जा सके। अब सवाल यह है कि क्या सुगोली संधि पर हमेशा हस्ताक्षर किए थे या इसकी कोई समय सीमा थी? किसी भी संधि पर हमेशा हस्ताक्षर होते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संधि में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लेकिन अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर डालें तो यह संधि उतनी बुरी नहीं लगती। संधि में वर्णित बहुत सी बातें बदल गई हैं, क्योंकि संधि के 9 महीने बाद ही कोशी से राप्ती तक जो जमीन सूख गई थी वह नेपाल को वापस कर दी गई थी। शायद इस क्षेत्र को लौटाने का मुख्य कारण यह है कि जिस स्थान पर जंगल आच्छादित था वह मलेरिया प्रवण क्षेत्र था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया क्योंकि यह उनके लिए अधिक उपयोगी नहीं था। लेकिन इस वापसी का मुख्य कारण यह था कि संधि में वर्णित वार्षिक 2 लाख रुपए नेपालियों के लिए उस क्षेत्र में लौटने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। नेपाल खुश होगा, जिससे एक और युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन 2 लाख रुपए सीधे छोड़ दें तो ऐसा लगेगा कि संधि टूट गई है। अतः अंग्रेजों ने संधि को तोड़ा नहीं बल्कि अपने हाथ से ले लिया। लिहाजा संधि के 44 साल बाद नेपाल ने राप्ती से लेकर महाकाली तक सूखे हुए इलाकों को वापस कर दिया था। बेक लौटने के बाद इस नक्शे से बढ़ दिया कैलाली चंपुर नेपाल इस नक्शे में था। अब इस क्षेत्र की वापसी के कारण 1875 में लखनऊ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। भारतीय विद्रोहियों को लखनऊ में गोरखा सैनिकों द्वारा नीचे लाया गया और भारतीय सेना और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को नष्ट कर दिया। हाँ, अंग्रेज इससे खुश हुए और क्षेत्रों को नेपाल को वापस कर दिया। इससे साफ है कि अगर सभी के लिए संधि की गई होती तो नेपाल उन इलाकों को कभी वापस नहीं पाता। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने नेपाल को अपना क्षेत्र वापस पाने के लिए काफी मौके दिए थे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेपाल के राणाओं ने अपने क्षेत्र वापस करने में संकोच नहीं किया। राणा चाहते तो एक शब्द में अंग्रेज जमीनें वापस कर देते। 1950 में भारत की आजादी के 3 साल बाद भी भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता कायम रही। संधि का अनुच्छेद 8 सुगोली संधि सहित भारत और नेपाल के बीच सभी संधियों को समाप्त करता है। संधि का अनुच्छेद 8, जिस पर भारत और नेपाल के बीच 21 दिसंबर 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और नेपाल के बीच सभी संधियों को समाप्त कर देता है। संधि में स्पष्ट रूप से सुगोली संधि के अंत का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि संधि के कारण खोई गई सभी नेपाली भूमि भारत को वापस कर दी जाएगी। लेकिन उस समय राणाओं ने क्षेत्र वापस करने में संकोच नहीं किया। इसके पीछे एक कारण था, खासकर इसलिए कि राणा वर्तमान नेताओं की तरह अंग्रेजों से नहीं डरते थे। उस समय राणाओं के लिए नेपाल में शासन करना कठिन था। भारत में आजादी की लड़ाई नेपाल में भी देखी गई थी। राणाओं ने सोचा कि यदि अपने क्षेत्र में शासन करना कठिन है तो नए क्षेत्र में शासन करना और भी कठिन होगा। राणा शासन के 104 साल बाद 1951 में इतिहास रची जनचेतना की लड़ाई खत्म हुई। कहा जाता है कि यदि राणाओं ने उनकी खोई हुई जमीन वापस कर दी होती तो उनका शासन और भी अच्छा होता और आज हम ग्रेटर नेपाल के लोग हैं। उन्होंने खोई हुई जमीनों को लौटाने का मुद्दा उठाकर राणा शासन को समाप्त कर दिया था। लेकिन 2007 का राणा शासन, 2017 का पंचायत आंदोलन, 2046 का जन आंदोलन और 1962-63 का आंदोलन, ये सभी क्रांतियां राजनीतिक क्रांतियां थी। ये देश की खोई हुई भूमि को वापस करने का समय नहीं था, ये केवल चुनाव और राजनीति थी। वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो में ये बात की जा रही है कि जो सुगोली का मुआहिदा हुआ था ग्रेटर नेपाल के मामले में, वो टेम्परेरी था। ये नई बात पता चली मुझे, मैं काफी शौक हुआ इस मामले पे, क्योंकि यार ग्रेटर नेपाल की अगर संधि टेम्परेरी थी तो फिर इनको जगह वापसी क्यों नहीं दी गई। तो इस वीडियो में ये बात की जा रही है कि इनको जगह भी वापसी मिली थी, बट इंडिया ने इनसे दोबारा जबरदस्ती से ये जगह 1950 की संधि के मुताबिक ली गई थी। कोई भी कन्फर्म न्यूज़
नहीं देता, कोई भी सही हिस्ट्री नहीं बताता, जिससे काफी कंफ्यूजन होती है, कोई क्या बात कर रहा है कोई क्या बात कर रहा है। बट मुझे जहां तक सब अब समझ आ रहा है तो ये वाली बात सही हो सकती है कि ग्रेटर नेपाल की जो जमीनें थी वो नेपाल को वापसी दे दी गई थी, बट इंडिया ने 1950 के संधि के मुकाबले में इनसे ये जगहें छीनी थी और तब से ये नेपाल के मामले में, ये ग्रेटर नेपाल के मामले में नेपाल अभी तक बात और आवाज को उठाया जा रहा है ताकि इसके बारे में बात हो सके। अब ग्रेटर नेपाल की तो हिस्ट्री जो है वो काफी पुरानी है और इसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है और पूरी दुनिया में ना कि सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया बात करना चाह रही है। और इंटरनेशनल मीडिया का भी मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर किया था कि वो इस मामले में काफी जो है वो सीरियस है। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल, इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात के बारे में बात करें तो इनके ताल्लुकात काफ़ी कठिन हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। अब यहाँ पे सगोली के माहदे की बात करें तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यार सगोली माहदा एक टेम्परेरी माहदा था जिसमें नेपाल से जगहें ले ली गई थी, उसके बाद उनको वापसी कर दी। और 1950 की संधि जब हुई तो नेपाल ने जब ये बोल दिया था कि भाई आप नेपाल को भी अपनी जगहों में शामिल करें तो शामिल नहीं किया गया और उनसे ज़मीनें ली गई, ये बात की जा रही है। हो सकता है कि ये बात सच हो, कोई भी कंफर्म न्यूज़ हमारे पास नहीं है जिसमें हम बात कर सके कि भाई कौन सी न्यूज़ सच्ची है या कौन सी न्यूज़ जो है वो जो है फेक है। इसके बावजूद भी अगर हम ग्रेटर नेपाल और जो सगोली की संधि के वादे की बात करें तो इसमें एक बात मुझे सही लगती है, वो ये लगती है कि नेपाल के लोग अभी भी इसकी मांग करें तो ये वाली बात 1950 वाली संधि वाली बात लाजमी सच साबित हो सकती है, सच साबित होने की तरफ जाती है, जिसमें ये बात की जाती है कि नेपाल के लोग जो है वो उनसे ज़मीन छीन ली गई थी 1950 के संधि के मुताबिक। अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी इसके बारे में पता चले, मैं आगे आने वाले वक्त में आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, आपको इम्पोर्टेंट वीडियो दूँ ताकि आप भी इससे मुस्तफीद हो और आपको भी इसका फ़ायदा मिले। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।